अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं केवड़ा साल्ट माइन, जो कि कलरकहार से तकरीबन कोई 40-45 किलोमीटर दूर है और अलग रास्ता बना हुआ है इसका। तो आज हम आपको दिखाएंगे, ये तकरीबन 150 साल पुराना माइन है और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं आपको अंदर के मनाजिर दिखाऊंगा कैमरे की आंख से। तो साथ रहिए, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ आप किस तरह जाएंगे, टिकट किस तरह मिलेगा आपको और कितने का मिलेगा। तो आगे जाके मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। जी, यहाँ पे ये टिकट काउंटर है केवड़ा साल्ट माइन्स के टूरिस्ट के लिए। तो इसके रेट्स आप देख सकते हैं, बड़ों के लिए पैदल का टिकट है 400 रुपये और ट्रेन की जो है 600 रुपये। ये देख, बच्चों के लिए 2 से 12 साल बच्चों का टिकट और 1-60 साल सब पैदल। तो ये इसका विज़िट का दौरानिया, ये बाकी ये काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है ऊपर। तो यहाँ पे ये है कि आपको टिकट मिलेगा, आप अगर पैदल जाएंगे तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है तो भी आप जा सकते हैं, और बाकी अगर आप टिकट लेंगे ट्रेन की तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ये रास्ता फिर आगे जाता है, अभी इस पर जाएंगे, मैं आपको वैसे व्यू दिखा देता हूँ। जब आप इंटर होते हैं, आप गाड़ी पे यहाँ पे पार्क कर लेते हैं, फिर उसके बाद टिकट बराए दाखिला का ये बोर्ड लगा हुआ है। तो आप यहाँ से जाएंगे ऊपर की तरफ जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि वहाँ से आप टिकट लेंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो अंदर जा के मैं फिर आपके साथ सारा कुछ शेयर करता हूँ। जी, इस टाइम हम शॉप के अंदर आ गए। ये ट्रेन वाला साइड ही, यहाँ पे साफ है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। इधर जाके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे देख ले, इधर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। अभी जाएंगे आगे ट्रेन में, दिखाएंगे आपको कि अंदर से ये केवड़ा का माइन, साल्ट माइन जो है ये किस तरह दिखता है। फर्स्ट टाइम आप 4K विजुअल में ये देखेंगे अंदरूनी मनाज़िर। Thank you.
ये ज़रूरी हिदायत है। इनकी हिस्ट्री है, ये सारा कुछ इस पर लिखा हुआ है, तो ऐसा ना होता तारीखी पसंद है केवल। यहाँ पे ये टिकट लेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेन आएगी, वो भी ट्रेन जैसे ही आएगी तो फिर आपको अंदर जाने देंगे। तो ये सारी जगह है। यहाँ से हम अभी स्टैंड पे बैठ गए और अभी
सकते हैं माइनिंग के मुतालिक, साल्ट के मुतालिक। सबसे पहले यकीनन आप मुश्किल सफ़र काट कर आए हैं, इसका हमें एहसास है। कोशिश करूंगा टोटल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए। आपको बताएं, खेड़ा साल्ट माइन की हिस्ट्री 326 बीसी से ताल्लक़ रखती है, जब सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान जंग हुई। दौरान जंग घोड़े पत्थरों को चाटते हुए पाए गए, जिससे इंकशाफ हुआ कि यहाँ नमक के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद 1872 में डॉक्टर वार्थ नामी माइनिंग इंजीनियर, जो कि माइनिंग वालों के लिए उस्ताद का भी दर्जा रखते हैं, उन्होंने प्रॉपर मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको रूम एंड पिलर मेथड कहा जाता है। जी सामने रूम को चेक करें सर, ये रूम्स होते हैं और ये राइट साइड पे पिलर, ये लेफ्ट साइड पे पिलर। इस मेथड में 50% साल्ट को एक्सीवेट करते हैं और 50% फॉर सपोर्टिंग पर्पज छोड़ दिया जाता है। आप लेवल नंबर 6 पर हैं, ग्राउंड लेवल पर 5 लेवल ऊपर वाले पोर्शन में है और 11 लेवल आपके पाँव के नीचे हैं, लिहाजा टोटल लेवल्स कितने हो गए खान साहब? 17। शाबाश 17 जी। आपको बताएं, खेड़ा साल्ट माइन का टेम्परेचर जो है ये 17 डिग्री फिक्स रहता है साल भर। एयर सर्कुलेशन अच्छी होती है और यहाँ पर टेम्परेचर ज़बरदस्त रहता है। अभी सबसे पहले मुझे बता दिया जाए कि हमारे इस ग्रुप में तस्वीरों के लोग ज़्यादा हैं शौकीन या मालूमात के ज़्यादा हैं? मालूमात दोनों। फिर इकट्ठा सर चलना पड़ेगा, फिर आप मुझ पे छोड़ दें, तस्वीरें भी लेंगे, मालूमात भी शेयर करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट विज़िट करेंगे, ग्रुप के अलावा किसी तरफ नहीं जाना और किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना, ठीक है? आगे चलेंगे और मालूमात शेयर करेंगे जी। प्लीज़ आगे आ जाइए, आ जाइए जी। मैडम इनको छोड़ दें, स्टूडेंट्स को। काम जारी तो सारी है सर, सारी जारी हो, सारी। अभी हम जा रहे हैं, ये टूर गाइड है जो यहाँ पे हमें कान के बारे में बताएंगे हिस्ट्री। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कमरे से बने हुए, और यहाँ पे ट्रेन के तमाम मिस्टर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। भाई ये कैसे बताते हैं सर, थोड़ा शुभ सबर लग सबर का सर, आगे आ जाएं ताकि मालूमात का सिलसिला शुरू किया जा सके। आप देख सकते हैं हर तरफ लेडीज, इस तरफ आ जाएं, राइट साइड पर इधर जी लेडीज आगे आ जाएं। इस तरफ आ जाएं सर, ट्रेन के तमाम विजिटर से गुजारिश है आगे आ जाएं। सर माइन के अंदर इस किस्म के 50 तालाब मौजूद हैं, जिनकी गहराई 16 फीट से लेकर 200 फीट के दरमियान है। ये बारिशी पानी है, पहाड़ के अंदर ट्रेवल करते हुए इन क्रैक्स में से आ जाता है नीचे, और टेक्निकली इसका नाम है सम, और इस पानी का टेक्निकल नाम है ब्राइन। वैसे आप इसको हाई सेचुरेटेड वाटर, सुपर सेचुरेटेड वाटर कह सकते हैं। ब्रिटिश दौर की वर्किंग है, जो अभी तालाब बन चुके हैं आपके सामने जो तालाब मौजूद है। इस पानी को आप एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, डेड सी वाटर भी आप इसको कह सकते हैं सर। खुदा ना खास्ता अगर आप इसके अंदर गिर जाएंगे या मस्ती से कोशिश करेंगे और या कोई भी ऐसी गलत कोशिश करेंगे मरने की, एक्टिंग वगैरह, तो आप वैसे भी इसमें नहीं डूब सकते। ये आपको नीचे लेकर नहीं जाएगा, डूबने की वजह से इंसान की डेथ नहीं होती इस पानी में, बल्कि ये आपकी बॉडी को इस कदर डिहाइड्रेट कर देगा कि खुदा ना खास्ता डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए ये तजर्बा कभी भी नहीं करना, यंग ब्लड आपसे कह रहा हूँ ज्यादा। ओके सर, जी ये आपने तजर्बा कभी नहीं करना। ओके सर, आ जाए सर।
मैडम आगे आ जाए। ये भी आगे जा रहे हैं, को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों अपना सामान उठा ले, डर रोज पास कुछ ले रोज पास आ जाए सर, आगे आ जाए सर, पीछे वालों को बुलाया जाए प्लीज। जान? जी सर, सर सामने जो टनल जा रहा है ये वर्किंग एरिया की तरफ जा रहा है, वहाँ हमारे माइनर्स काम करते हैं। आज संडे है, छुट्टी है, 700 के करीब माइनर्स काम करते हैं और 1000 मेट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन है। ड्रिल किया जाता है, ब्लास्ट किया जाता है और नमक हासिल किया जाता है, ट्रैक्टर ट्राली के जरिए से बाहर निकाला जाता है। आपको बता दें माइन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के नाम से मंसूब किया गया है। अभी आप जिस मकाम पर मौजूद हैं इसका नाम है मजदूरों की बादशाही मस्जिद, 50 साल पुरानी है और टाइम टू टाइम इसको अपडेट किया जाता है। कोई आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं है और कोई बाइंडिंग मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट ब्रिक्स और नेचुरल ब्रिक्स साल्ट की आपके सामने मौजूद है नेचुरल कलर के साथ। पिक्चर्स ले लें, आपसे दोबारा गुजारिश की जाती है जो भी शख्स पीछे रह जाएगा अपने ग्रुप से, ज़ाहिर है उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलेंगी, सफ़र भी ज़ाया गया और वापसी पर 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। सर आगे आ जाए प्लीज। मुख्तलिफ रूम बने हुए और ये ईंटें जो है ये सारी नमक की है। इसमें लाइट जब लग जाती है तो आप खुद देख सकते हैं वो ज़बरदस्त करिए शाइनिंग साथ में। ये आप देख ले वो बड़े छोटे छोटे पहाड़ हैं। ऊपर आप देख रहे हैं नमक, चले ना आए फिर हमारी कौम ने कब बात मानी है कि आज मान लेंगे अल्लाह के ऊपर। मैं तो यह आपके सामने खड़ा हूँ लेकिन हर बंदे का टाइम कीमती है जी। आ जाए जी, अच्छा चले नहीं आते सर। ये तो आपने सुना होगा कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कतरा कतरा मिलकर पहाड़ भी बन सकता है। पीछे जो आप पहाड़ देख रहे थे चाबी पहाड़ से मुशाबियत रखता है, 35 साल में बना है। एक एक नमकीन पानी का कतरा गिरता है, हाई सेचुरेटेड वाटर, और जैसे ही टकराता है पानी बह जाता है, साल्ट क्रिस्टलाइज हो जाता है। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्रिस्टलाइजेशन एक मैट्रिक लेवल FSC लेवल में तजर्बा है जिसमें पानी और नमक को इलादा किया जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल क्रिस्टलाइजेशन हो रही है और चावी पहाड़ से वो पहाड़ मुशाबियत रखता है, इसलिए इसको चावी पहाड़ का नाम दिया गया है। साथ आपको बता दें 2002 में अथॉरिटीज़ ने जब Level 6 को विज़िट किया तो उन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी कि पाकिस्तानी आई डी कार्ड होल्डर्स को 600 रुपये पर हेड विज़िट कराया जाए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी और पंपिंग के चार्जेस हैं। अदरवाइज़ फॉरनर्स के लिए यही फ़ीस 5000 रुपये एंट्री है पर हेड, क्योंकि वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड नहीं रखते। तो इससे पता चला कि पाकिस्तानी आईडी कार्ड की वैल्यू खेड़ा साल्ट माइन में टॉप पे है। इस पॉइंट पर जब अभी आप जहाँ मौजूद हैं इसका नाम स्टैलिकमाइट स्टैलिकटाइट है टेक्निकली, और अंगूरी बाग इसको कहा जाता है।
احمد فراز صاحب مشہور شاعر یہاں تشریف لائے، انہوں نے اس کو اشک نمک یعنی ٹیئر آف سالٹ کا نام دیا، کہتے ہیں مل گیا تو وصال نمک، نہ ملا تو فراق نمک۔ تو ریسنٹلی وصال کمپلیٹ ہو چکا ہے اور احمد فراز صاحب کا بھی وصال یقیناً ہو چکا ہے۔ شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں، اس لیے آپ کو ایک تجربہ کرانا چاہتا ہوں، پریکٹیکل انسٹرکٹر کے طور پہ ادھر آ جائیں جی، جلدی آ جائیں، تجربہ کر لیں جی۔ شر ادھر ہاتھ کریں خان صاحب، خان صاحب آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ مکاوا مڑا او جی ادھر، ایسے سر تیزاب پورا ہاتھ کھولیں، یار کیا کرتے ہیں، امریکہ کو شکست دی ہے خان صاحب نے، بس جی ٹیسٹ کریں اس کو، بس 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 بس، باقیوں کو بھی جگہ دیں، لیڈیز کو بھی جگہ دیں، اتنا تو ٹائم نہیں، پیچھے آ گئے اور باقی ایسے کرسٹلائزیشن ہے سر، یہ نیچرل کرسٹلائزیشن آف سالٹ۔ چلیں ٹیسٹ کریں، ٹیسٹ کریں، مما کو بھی کروائیں جائیں۔ بارش کا پانی نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ ہائی سیچوریٹڈ پانی سر۔ مائننگ کا رول علیحدہ ہے، قانون علیحدہ ہے، ایون کے پولیس رول باہر ختم ہو چکا ہے، یہاں پہ مائننگ کا اپنا رول چلتا ہے سر۔ اگر آئی جی صاحب کو بھی کسی کی گرفتاری درکار ہے تو کھیوڑا سالٹ مائن کے اندر سے اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا آپ کو رول بتائیں کہ مائن کی چھت اس سے نہیں بڑھ سکتی جس کی وجہ سے مینار پاکستان ہم نے چھوٹا کر دیا۔ 10,000 انٹوں پر مشتمل، 200 لائٹس ہیں اس کے اندر، کوئی بانڈنگ مٹیریل نہیں، روایتی مٹیریل اس کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ پلر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی سالٹ کا ہے، بچوں کو باہر نکالے ہیں، اگر تارے ہیں پلیز اس کے ساتھ بھی تصویریں جلدی جلدی لے لیں، ابھی بہت سے پوائنٹ باقی ہیں، ٹرین نہ چلی جائے گی، بھی ڈر رہتا ہے، اس لیے گروپ کے ساتھ آگے جلدی آ جائیں۔ کوشش کریں گے سر، آگے آ جائیں میم، آپ کو لوگ دیکھ کر لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ وہی تالاب ہے جو آلریڈی آپ دیکھ چکے ہیں، اس طرف آ جائیں سارے، اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا، کرنٹ لگ سکتا ہے، نیچے اترے پلیز، نیچے اترے، کرنٹ لگ سکتا ہے۔ سر یہ جتنے بھی سالٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز یہاں موجود ہیں، کول پروجیکٹس کی ڈیٹیل، اور یہ ہے سکندر اعظم کا وہ شرارتی گھوڑا جس نے پتھروں کو چاٹا، اور آج آپ لوگ 3,000 فٹ پہاڑ کی بلندی کے نیچے موجود ہیں، آپ کے پاؤں کے نیچے 11,000 فٹ تک نمک ہے، نہ یہ گھوڑا پتھروں کو چاٹتا، نہ آج آپ لوگ یہاں موجود ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ سسٹم چل رہا ہوتا سر۔ آگے آ جائیں، مائن دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کہاں پر موجود ہیں، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، جو نہیں کہنا چاہتے ہیں پارٹیشن نہ آگے پاتا، ان کے زور کو بھی کیا ہے، بس جی سر سامنے دیکھیں، یہ ایک 2022 سیشن کا بڑا پیارا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس نے بنایا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ٹاپ ویو ہے، ایریل ویو ہے کیوڑا سالٹ مائن لیول 6 کا، اس ٹنل سے آپ اندر آئے ہیں، اور تھوڑا جو ہم نے گھومنا تھا وہ گھوم چکے، ابھی اسٹریٹ لائن پر نارتھ سائڈ پہ جو اسٹریٹ لائن ہے یہاں پہ، اس پہ ہم موجود ہیں، اس ٹنل سے ٹریکٹر ٹرالی جو ہے پروڈکشن لے کر باہر نکلتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو اسکیل یہ لیول 6 کا میپ ہے، کہاں کہاں پہ کام ہو چکا ہے، اگر پوری مائن کے ڈیٹیل میپس بنائے جائیں تو 16 میپس اور بنیں گے، کیونکہ 17 ہی لیولز ہیں اور 17 ہی میپس بنیں گے، یہ اکارڈنگ ٹو اسکیل ہے، اور اس کو آپ چیک ابھی اندازہ اس سے کر لیں کہ لیول 6 کا بھی ایک مخصوص حصہ آپ دیکھیں گے، صرف ریڈ ایریا جو ہے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وزٹنگ ریزارٹ کو، ابھی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مائن کے کون سے حصے میں ہیں آپ، اور آپ کے رائٹ لیفٹ کون سا علاقہ ہے۔ آ جائیں Thank you.
जा रहा है ये वर्किंग एरिया की तरफ नहीं जा रहा, आप सोचेंगे सारे टनल उधर जा रहे हैं, नहीं, ये वेंटिलेशन टनल है जो एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करता है और माइन के ये वेंटिलेशन टनल्स होते हैं। आपको बताएं कि 14 टनल है जो एयर सर्कुलेशन के लिए काम कर रहे हैं, अदरवाइज सिंगल एंट्री केयर में अगर आप चले जाएंगे जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर तो आपका काम घुटना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपको बताएं कि थोड़ा सा माइनर टेम्परेचर मेंटेन रहता है 17 डिग्री इन्हीं टनल्स की वजह से, अदरवाइज यहाँ पर आप देख रहे हैं आज की छुट्टी है, पीछे एक फैन जल्दी आ जाए। भाई जान इस तरफ आ जाए थोड़ा सा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ बताएं। आ जाए आ जाए आ जाए, बस एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आज इधर ही खड़े हुए बेटा, कोई मसला नहीं, सबको बुला लिया जाए। जी सर, घरों में आपने डेकोरेशन के लिए डिफरेंट चीज़ें लगाई होंगी, थोड़ी पहले तो खामोशी सर थोड़ी चाहिए होगी। अच्छा नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, सबकी तवज्जो थोड़ी सर यहाँ चेक करें, पाकिस्तानियों पर हर मैदान में करम ही करम है, अल्लाह पाक की तरफ से बाहर से रफ नजर आने वाला पहाड़ अंदर से कितना खूबसूरत है आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं मेरी ज़मीन के अंदर घूमो फिरो, निशानियों को तलाश करो, तो यकीनन आज आपका भी जो सफ़र है ये इबादत के ज़ुमरे में आता है। अभी जिस मकाम पर आप मौजूद हैं इसका नाम है नमक का शीश महल, यानी पैलेस ऑफ साल्ट इसका नाम है, और इस साइड पर आपको ये लाइन्स नज़र आ रही हैं, इसको साल्ट सीन कहा जाता है, पूरी माइनिंग इंजीनियरिंग इन्हीं लाइंस के गिर्द घूम रही है। एंगल ऑफ डेप्थ जब हम मालूम करते हैं इन्हीं लाइंस की मदद से, कोई कलर हम नमक का स्पेसिफिक जब हमें चाहिए होता है इन्हीं लाइंस की मदद से मालूम करते हैं। यहाँ पे चेक करें, आपने सुन रखा होगा पिंक साल्ट और क्रिस्टल साल्ट, वो भी यहाँ पर मौजूद है, ये चेक कर सकते हैं जी। इसके बाद थोड़ी खामोशी भाई, मैडम थोड़ी खामोशी दरकार है ताकि मालूमात सबको मिल सकें। विदाउट एनी सपोर्ट साल्ट ब्रिज से शीश महल के अंदर दाखिल हो जाए जी, बगैर किसी सहारे के नमक का ये पुल है, आगे आ जाए शीश महल के अंदर। नमक का पुल है। वीडियो छोड़ा नहीं क्या? आगे जाओ ना, इन्हें आगे जाओ, आ जाए आ जाए। ये बाकी लोग नहीं है हमारे साथ, चलो 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 चले गए दूसरी साइड। सर ये चेक करें, अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत को झुठलाओगे। ये चेक करें सर, एक ही कलर की टार्च है और आपको डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे होंगे। अपनी नौयत की हवाई दीवार है, इसका नाम है दीवार मोहब्बत, कहते हैं दो बार चाटने से दिली मुराद पूरी होती है, मोहब्बत हासिल होती है। और ये दीवार है, ये दीवार थोड़ी तवज्जो सर, ये दीवार है दीवार चीन। अच्छा सर, दीवार चीन कहते हैं इसको, चाटने से बच्चों के 95% मार्क्स आएंगे, लेकिन मैं एक मिनट आपको बता दूं एज ए टेक्निकल पर्सन के मार्क्स आपके तब आएंगे जब दबाव में कुछ होगा, और मोहब्बत आपको तब हासिल होगी जब जेब में कुछ होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, लास्ट में आपको बता दें कि गाइड के इस असाइनमेंट के पूरी दुनिया में कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते, ना ही कोई सैलरी होती है, बल्कि गाइड का नाम होता है जो कि विजिटर की खुशी पर डिपेंड करता है।